सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे गले के दर्द पर। बार बार गले में दर्द हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है, टॉन्सिल में स्वेलिंग आ जाती है, ये कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ऑपरेशन कराना पड़ता है, टॉन्सिल को निकालना पड़ता है। और टॉन्सिल हमारी बॉडी में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे एक सीमा पर सेना का जवान सीमा की रक्षा करता है और किसी भी दुश्मन को देश के अंदर घुसने नहीं देता, ठीक वैसे ही बॉडी में हमारी टॉन्सिल काम करते हैं। टॉन्सिल ग्रंथियां, कोई भी इन्फेक्शन जब बॉडी में आता है तो सबसे पहले टॉन्सिल ही उसको फाइट करती है, उसको रोकती है। तो टॉन्सिल आपके स्वस्थ रहें इसके लिए आप क्या करें, ये आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप बार बार जो गले की पेन की प्रॉब्लम से आप जूझते रहते हैं उससे आप कैसे परमानेंट ठीक कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में आज बताया जाएगा। सबसे पहले जब आपको गले में दर्द प्रारंभ होता है, पहले दिन ही आपको करना क्या है, आपको स्टीम लेनी है। स्टीम अजवाइन डालें एक चम्मच और 5 से 7 तुलसी के पत्ते आप उसमें डालकर स्टीम लें। स्टीम लगभग 10 मिनट आपको लेना है। खूब अच्छे से नाक से श्वास लेके मुंह से छोड़ो, स्टीम लेते समय मुंह से श्वास लेके नाक से छोड़ते रहो, पूरा क्लीन करना है इसको। तो स्टीम आप दिन में 2 बार जरूर लें, अगर प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है तो आप 3-4 बार भी ले सकते हैं। दूसरा, आप गरारे करें, गार्गल बहुत जरूरी है। गार्गल आप नमक के पानी से गार्गल करें, सेंधा नमक डालें या घर में जो आपके सी सोल्ट रहता है उसको आप प्रयोग करें। थोड़ा हल्दी भी आप डाल सकते हैं पानी में, उससे गार्गल करें। गार्गल भी आप 4 से 5 बार करें अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, कम प्रॉब्लम है तो 2 बार करें। तो गार्गल भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके गले की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तीसरा, आप लौंग का प्रयोग करें। लौंग आपके घर में सबके मिल जाती है आसानी से। लौंग को आप तवे के ऊपर भून लेंगे, भूनने के बाद लौंग थोड़ा फूल जाती है, ब्राउन कलर की हो जाती है, उसको आप डब्बे में रख लें। एक एक लौंग दिन में 3 बार आपको चूसना है, तोड़ के नहीं खाना है, चूस के उसको निकलना है। तो लौंग अपने आप में बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन है। लौंग WBC को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, एंटीवायरल एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, बहुत ज़बरदस्त लौंग के अंदर ये क्षमता है। तो आप लौंग का जरूर प्रयोग करें। और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप अपने इस प्रकार से हाथ को एल शेप में बनाएंगे और यहाँ से दूसरे हाथ से इसको प्रेस करें 40 से 50 बार। ये पॉइंट होता है आपके गले का, टॉन्सिल का, ये आपके टॉन्सिल ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इस प्रकार से, इस प्रकार दूसरे हाथ से भी आप दबाएं 40 से 50 बार इसको, और दोनों अंगूठों से इस प्रकार से यहाँ कान के नीचे आप इसको प्रेस करें। और जिनको नज़ला जुकाम भी रहते हैं वो भी इन पॉइंट्स को आप दबाएं। तो पूरा, यदि टॉन्सिल में बहुत अधिक स्वेलिंग है तो हल्का हल्का दबाएं, ज़्यादा तेज प्रेशर ना दें, और 40-50 बार एक जगह दबाएं। हल्की मालिश कर सकते हैं या आप यूकेलिप्टस का जो ऑयल है उसका आप यहाँ पर मसाज करें पूरा गले के भाग पर। अगर आपके गले में दर्द है, स्टीम लेते समय भी आप गले पर मसाज कर लें और फिर आप स्टीम लें, तो बहुत ही अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बार बार जो गले में दर्द होता है, मौसम चेंज होने पर आपको एंटीबायोटिक्स के कोर्स करने पड़ते हैं और कोर्स कई बार बड़े लंबे हो जाते हैं। तो मैं ये सबको आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है आपको एक ही दिन में आराम हो जाए, नहीं तो 3 दिन में आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आपको लंबे कोर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग इसी प्रकार से योग आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, समाज को स्वस्थ बनाएं। आप सभी के लिए प्रार्थनाएं। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।